नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मेजरमेंट वाली पैंट की कटिंग करके दिखाऊंगा, जिसकी लेंथ है 39.5 इंच, कमर है 30 इंच, हिप है 34 इंच, थाई है 25 इंच। ये थाई देखिए क्रॉच लाइन पे है, क्योंकि ये पैंट का मेजरमेंट कस्टमर की पैंट के ऊपर से लिया है। मेजरमेंट पैंट के ऊपर का मेजरमेंट है, बॉडी मेजरमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ एट क्रॉच यानी कि क्रॉच लाइन पर ये 25 इंच रखना है। और नी का मेजरमेंट है, नी का राउंड 19 इंच, बॉटम राउंड 18 इंच। देखिए पैंट पर मेजरमेंट लिया है, इसलिए इनसीम भी लिया है पैंट का, तो इनसीम है 29 इंच और घुटने की कमर से लेकर घुटने तक लंबाई 22 इंच। तो चलिए बिल्कुल उसी तरह से पैंट की कटिंग करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले हमेशा की तरह ये कपड़ा सीधा कर लेना है। यही से हमारे सारे मेजरमेंट नीचे तक लगाने होते हैं। तो 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है, इसलिए 1 इंच ऊपर छोड़ के यहाँ से देखिए सबसे पहले घुटने की लंबाई लेंगे 22 इंच और पैंट की लंबाई है 39.5 इंच। ये देखिए फोल्डिंग के लिए 3 इंच पर एक मार्क करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आसन कितना गिरा है ये मैंने मार्क नहीं लगाया, लेकिन यहाँ इनसीम का लेंथ लिया है 29 इंच। तो देखिए यहाँ नीचे से 29 इंच और आधा इंच सिलाई दबाओ, ये 29 इंच और आधा इंच सिलाई दबाओ, इस तरह ये मार्क यहाँ आएगा, ये आसन गिराने का मार्क है यहाँ। तो देखिए यहाँ से ये कितना आता है, देखिए ये 10 इंच पर आता है। अगर हमने हिप के हिसाब से आसन गिराया होता तो वो बहुत कम आता, 8.5 इंच पर। और ये पैंट सीनियर सिटीजन की है, दुबला पतला कस्टमर है और लूज़ फिटिंग है, इसलिए इसका आसन भी ज़्यादा डाउन किया है। ये हिप के हिसाब से नहीं है, ये इनसीम लेंथ के हिसाब से आसन गिराया है। तो देखिए ये सभी मार्क हम आगे लगाएंगे इस तरह। ये देखिए ये 10 इंच, 22 इंच और लंबाई 39.5 इंच, तो यही मार्क यहाँ लगाएंगे सामने, 10 इंच, 22 इंच, 39.5 इंच और 3 इंच फोल्डिंग के लिए। यह देखिए क्रॉच लाइन पे 25 इंच मेजरमेंट है, तो 25 का आधा 12.5 पर मार्क करेंगे इस तरह। अब देखिए यहाँ 2.25 इंच पर यहाँ फ्लाई डेप्थ के लिए ये मार्क है, और देखिए ये 12.5 का सेंटर 6.25 इंच, ये तीनों मार्क हमें ऊपर लगाने हैं, देखिए इस तरह। यह देखिए सामना आधा इंच डाउन करना है, या 1.25 इंच पर नीचे एक मार्क लगाएंगे, यहाँ से साइड पॉकेट शुरू हो जाएगा, 6 इंच का ओपनिंग है साइड पॉकेट का। यहाँ नीचे से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ तक जिप लगेगी।
कमर 30 इंच का है तो 30 का 4/4 हिस्सा 7.5 इंच, दोनों तरफ आधा आधा इंच सिलाई दबाओ 8.5 इंच। अब देखिए ये जो बचा 2.5 इंच है, हमें यहाँ डबल प्लेट लगानी है। ये पहला प्लेट होगा 1.5 इंच का, 1 इंच का दोनों प्लेट में गैप होगा, और दूसरा प्लेट 1 इंच का। अब जो ये सेंटर है वो नीचे तक लेके जाने का है। देखिए ये यहाँ से 1.25 इंच इस हरी लाइन से, देखिए यहाँ घुटने का राउंड एडजस्ट करेंगे। देखिए 19 का घुटना है, 19 का आधा 9.5, तो 9.5 इस सेंटर से एडजस्ट करेंगे। देखिए 4.25 इस तरफ और ये 4.25 इस तरफ 9.5 इंच। बॉटम दोस्तों देखिए 18 का बॉटम है, ये सेंटर का मार के यहाँ लगाएंगे। 18 का बॉटम है, 18 का आधा 9 इंच, तो 9 इंच या इस सेंटर से देखिए इस तरफ 4.5 इंच और इस तरफ 4.5 इंच। यह देखिए ज़्यादा गहरा शेप नहीं देना है, बिल्कुल हल्का शेप देना है इस तरह। और देखिए ठीक उसी तरह यहाँ भी शेप देना है। इस मार्क से देखिए यहाँ थाई लाइन तक इस तरह शेप देना है। देखिए ये देखिए 7.5 इंच रेडी फ्रंट आएगा दोस्तों। ये फ्रंट की मार्किंग हो गई। ये जो कपड़ा है ये दोनों साइड की जो फेसिंग है उसके लिए काम आ जाएगा। और इसमें में बैक पॉकेट की जो पट्टी है वो निकाली जाएगी।
ये जो यहाँ से हमने फ्रंट आधा इंच डाउन किया था, तो इस लाइन के ऊपर 1.5 इंच पर हमें यहाँ मार्क करना है इस तरह। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्रॉच लाइन है, यहाँ का मेजरमेंट 25 इंच हमें तैयार करना है। 2 इंच सिलाई दबाव जाएगा तो 25 प्लस 2 इंच 27 इंच हमें यहाँ एडजस्ट करना है इस तरह। देखिए ये ये 12 इंच, और देखिए ये यहाँ 27 इंच, तो यहाँ देखिए ये मार्क आएगा। ये 2 इंच फ्रंट का और बैक का दबाव जाके रेडी 25 इंच हमें यहाँ क्रॉस लाइन में मेजरमेंट मिलेगा। यहाँ देखिए 2 इंच पर मार्क करना है, यहाँ 1.25 इंच पर मार्क करना है। यहाँ आधा इंच सिलाई दबाओ बैक पार्ट का। अब देखिए यहाँ से हम हिप का मार्क लगाएंगे। 34 इंच हिप है तो 34 का चौथा हिस्सा 8.5 इंच प्लस इसमें 1.5 इंच करना है, 10 इंच पर हमें यहाँ मार्क लगाना है। देखिए ये लूज़ फिटिंग पैंट है, तीस इंच कमर का चौथा हिस्सा 7.5 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए, और ये 2.25 इंच एक्स्ट्रा दबाओ। यहाँ 1.5 इंच पर एक मार्क करेंगे, यहाँ से बैक पॉकेट शुरू हो जाएगा। ये देखिए 5 इंच का बैक पॉकेट लगेगा, उसका सेंटर 2.5 इंच पर। यहाँ से 3 इंच डाउन करेंगे, बैक पॉकेट का मार्क है। यहाँ 1 इंच का डार्ट लगेगा, तो दोस्तों देखिए ये इस तरह पैंट की बैक का मार्किंग हो गया है। यहाँ देखिए हमें इस तरह एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है।
तो दोस्तों ये हो गई पूरी पैंट की कटिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।